टीवी शो स्वरागिनी में अब तक आपने कई बड़े बड़े ड्रामे देखे, रागिनी की चालाकी से चली हुई चाल देखी, स्वरा के आंसू देखे, यहाँ तक कि लक्ष्य का टूटा हुआ दिल भी देखा। लेकिन जनाब, अब हो जाइए तैयार स्वरा का यू टर्न देखने के लिए। जी हाँ, जहाँ स्वरा का एक फैसला आपके होश उड़ा देगा, और वो फैसला ये है कि स्वरा ने संस्कार को डिवोर्स देने के लिए मना कर दिया। क्यों, आप भी चौंक गए ना, भाई ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये आप खुद उन्हीं से सुन लीजिए। बस यही है रीजन मेरा डिसीजन जो मैंने लिया है उसके पीछे। मुझे भी नहीं पता क्यों ऐसे डिसीजन लिया, प्लीज मुझे भी बता दो यार। स्वरा, अब मैं और रागिनी अलग हो गए तो अब हम दोनों एक हो सकते हैं, बट मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि मेरे लिए आज भी वो रागिनी का पति है। तो हाँ, भले ही मैं उससे प्यार करती हूँ, बट अब मैं सब कुछ ख़त्म कर चुकी हूँ, आगे बढ़ चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी में। सो मैं भी चाहती हूँ कि ये भी अपनी लाइफ में रागिनी को माफ़ करके उसके साथ आगे बढ़ जाए और मुझे भुला दे। और एक ही ऑप्शन था कि क्योंकि ऑफिशियली भी मतलब मेरी और संस्कार की शादी हो चुकी है, तो बस अब जब सब लोग ऐसे डिसाइड कर रहे थे कि अब इन दोनों का भी डिवोर्स हो जाएगा, तो मैं जाके बता देती हूँ कि नहीं 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 होगा। बेचारे लक्ष्य, स्वरा का साथ उन्हें मिलते मिलते फिर छूट गया, उनका दिल एक बार फिर टूट गया। उनके साथ साथ उन फैंस का भी दिल टूट गया होगा जो इन्हें एक साथ देखना चाहते थे। हाँ ये तो है, अब क्या कर सकते हैं, पर हाँ लक्ष्य इतनी सी बात पर हार नहीं मानेगा, लक्ष्य फिर भी ट्राई करेगा, और जब उसे लगेगा कि हाँ कि सच में स्वरा उससे प्यार नहीं करती, तब वो अलग हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्य को लगता है स्वरा को देख के कि स्वरा उससे आज भी प्यार करती है। वैसे स्वरा, कहीं आपको संस्कार से प्यार व्यार तो नहीं हो गया, क्योंकि अचानक उनके लिए इतनी हमदर्दी कि आपने अपने लक्ष्य को छोड़ देने का इतना बड़ा फैसला ले लिया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट एक सीक्वेंस हमने किया जिसमें मैंने संस्कार के साथ अपनी सारी दोस्ती तोड़ ली है। मतलब मैंने उसको एक्चुअली मैं ऐसा बोला है कि संस्कार, हमारे हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा, और जो बची कुची दोस्ती थी वो भी मैं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि कुछ हरकत उससे ऐसी की थी दोनों भाइयों ने मिलकर, मतलब मेरे हिसाब से। तो मैं उसको ऐसे बोल के आ जाती हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं कि ये डिसीजन मैंने उसकी वजह से लिया है। वेल, आप स्वरा के इस यू टर्न को लेकर क्या कहना चाहेंगे, अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए।